गलत काम करन तो कीती ना ता चाचे ने भतीजी दा करता कतल। भतीजी ने छड़े चाचे दे नाल गलत काम करन तो कीती ना ता चाचे ने भतीजी दा करता कतल। मूंह ते इन्नी वार तेज हथियार दे नाल वार कीता के कुड़ी दी शकल भी पहचान च नहीं आई। तो दस दिए कि एक बेहद संगीन मामला सामने आया है जिथे एक कुड़ी दी लाश मिली है खेतों के अंदरों। तो मामले की जाँच करन तो बाद खुलासा होया है कि कुड़ी दे चाचे दे वलों ही उसका कतल किया गया। दरअसल तुहानू दस दईए कि चाचा जिहड़ा है वह छड़ा है। छड़े चाचे की अपनी भतीजी ते कई दिन की मैली अख सी, जिस तों बाद जिहड़ी कुड़ी सी उसकी माँ दे वलों कई बार रोकया गया पर चाचा नहीं रुकया। चाचे दे वलों भतीजी दे नाल गैर संबंध बनाउण दी कोशिश कीती गई। कुड़ी ने विरोध कीता, तुहानू दस दईए कि नाबालिग कुड़ी सी, उसने विरोध कीता अपने चाचे दा। तां चाचे ने गुस्से दे विच आ के उसनू मौत दे घाट उतार दिता। तुहानू दस दईए कि काफ़ी दिन पहला यह मामला दर्ज होया सी ते हुण पुलिस ने इस अपराधी नू गिरफ्तार कर लिया जिसने अपनी ही भतीजी अपने ही खून दा अपने हथी कतल कर दिता सिर्फ अपनी हवस मिटाउण दे लई। तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानू यमुनानगर तो सामने आ रही ने जिथे छड़े चाचे ने अपनी भतीजी का कतल कर दिता क्योंकि भतीजी ने उसके नाल गलत काम करन तो ना करती सी। हाँ जी, 9 तारीख को हमें एक अननोन डेड बॉडी मिली थी लड़की की जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो हमने उसका पोस्टमार्टम करवा दिया था 12 तारीख को। तो अब उसकी लड़की की शिनाख्त हो गई है। जिसकी मदर हमारे पास आई थी, उन्होंने क्योंकि वीडियो फोटो देखी थी, फोटो से लड़की की पहचान करके हमारे पास आई। हमने उनको बॉडी शिनाख्त कराई और उन्हीं ने शक जाहिर किया था, जो लड़की का चाचा है जिसके पास लड़की रह रही थी, भगवान दास नाम का व्यक्ति है, उसी पे शक जाहिर किया था। उसी के शक पे हमने लड़के से पूछताछ की उसके चाचा से, और पूछताछ में आरोपी ने ये कबूला है कि उसने ही अपनी भतीजी की हत्या की है। उस लड़की का जो नाम है वो सुमित्रा है, 17 साल इसकी उम्र है। सर, कारण क्या है हत्या? कारण ये जो लड़का है एक्यूज्ड है भगवान दास, ये रिश्ते में तो उसका चाचा है लेकिन ये शादीशुदा था, इसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं था तो वो छोड़ के चली गई थी, तब से अकेला था। और ये उसकी उस अपनी भतीजी के ऊपर नीयत ख़राब हो गई थी, उसी के चलते इसने ये कांड किया है। रेप नहीं, सिर्फ मर्डर है। कैसे, कोशिश करता था लेकिन वो लड़की इसको अपने पास नहीं लगने देती थी, तो उसी गुस्से में इसने ये कांड किया। गलत काम करन तो कीती ना ता चाचे ने भतीजी दा करता कतल। भतीजी ने छड़े चाचे दे नाल गलत काम करन तो कीती ना ता चाचे ने भतीजी दा करता कतल। मूंह ते इन्नी वार तेज हथियार दे नाल वार कीता के कुड़ी दी शकल भी पहचान च नहीं आई। तो दस दिए कि एक बेहद संगीन मामला सामने आया है जिथे एक कुड़ी दी लाश मिली है खेतों के अंदरों। तो मामले की जाँच करन तो बाद खुलासा होया है कि कुड़ी दे चाचे दे वलों ही उसका कतल किया गया। दरअसल तुहानू दस दईए कि चाचा जिहड़ा है वह छड़ा है। छड़े चाचे की अपनी भतीजी ते कई दिन की मैली अख सी, जिस तों बाद जिहड़ी कुड़ी सी उसकी माँ दे वलों कई बार रोकया गया पर चाचा नहीं रुकया। चाचे दे वलों भतीजी दे नाल गैर संबंध बनाउण दी कोशिश कीती गई। कुड़ी ने विरोध कीता, तुहानू दस दईए कि नाबालिग कुड़ी सी, उसने विरोध कीता अपने चाचे दा। तां चाचे ने गुस्से दे विच आ के उसनू मौत दे घाट उतार दिता। तुहानू दस दईए कि काफ़ी दिन पहला यह मामला दर्ज होया सी ते हुण पुलिस ने इस अपराधी नू गिरफ्तार कर लिया जिसने अपनी ही भतीजी अपने ही खून दा अपने हथी कतल कर दिता सिर्फ अपनी हवस मिटाउण दे लई। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛੜੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਮੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਜਿਸ ਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਥੀ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਉਸਕਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਥਾ 12 ਤਾਰੀਖ ਕੋ। ਤੋ ਅਬ ਉਸਕੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਕੀ ਮਦਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਥੀ, फ़ोटो से लड़की की पहचान करके हमारे पास आई। हमने उनको बॉडी शिनाख्त कराई और उन्हीं ने शक जाहिर किया था, जो लड़की का चाचा है जिसके पास लड़की रह रही थी, भगवान दास नाम का व्यक्ति है, उसी पे शक जाहिर किया था। उसी के शक पे हमने लड़के से पूछताछ की उसके चाचा से, और पूछताछ में आरोपी ने ये कबूला है कि उसने ही अपनी भतीजी की
हत्या की है। उस लड़की का जो नाम है वो सुमित्रा है, 17 साल इसकी उम्र है। सर कारण क्या है हत्या का? कारण ये जो लड़का है एक्यूज्ड है भगवान दास, ये रिश्ते में तो उसका चाचा है लेकिन ये शादीशुदा था, इसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं था तो वो छोड़ के चली गई थी, तब से अकेला था और ये उसकी उस अपने भतीजे के ऊपर नीयत खराब हो गई थी, उसी के चलते इसने ये कांड किया है। रेप मर्डर? हाँ जी रेप मर्डर नहीं, रेप नहीं, सिर्फ मर्डर है, रेप नहीं। कैसे नहीं, कोशिश करता था लेकिन वो लड़की इसको अपने पास नहीं लगने देती थी, तो उसी गुस्से में इसने ये कांड किया है।